मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए सरकारी कर्मचारी अपने आंदोलन की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली से युक्त मोर्चा के तत्वाधान में त्रिस्तरीय आंदोलन के अंतर्गत पहले तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपे गए थे। बुधवार को संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपे गए और अब अप्रैल माह में राज्य स्तर पर ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामेश्वर पटेल ने बताया कि प्रदेश के सभी कर्मचारी 1 जनवरी 2005 से बंद पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। मध्य प्रदेश सेवा पेंशन नियम 1976 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, नवीन शैक्षणिक संवर्ग में पेंशन ग्रेजुएटी क्रमोन्नति का लाभ दिलाया जाए। यदि सरकार ने बात नहीं मानी तो आने वाले दिनों में लड़ाई आर पार की होगी। इस मौके पर विभूति सरोठिया, राजकुमार शर्मा, अनुराग खरे, आरबी पटेल सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। आज हम लोग जो है एसडीएम साहब को हमारे 3 चरणों में विभक्त है। पहला कार्यक्रम आज हमारा 23 मार्च को जो था, ये माननीय तहसील स्तर पर माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन देना था और वो पुरानी मांगों को लेकर के हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जो हम लोगों को ओपीएस से वंचित रखा गया है, एनपीएस दे रहे हैं जो हमारे हित में नहीं है, और ये कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर चल रहा है। हम शासन से यही मांग करते हैं कि हमारी जो पुरानी परिवार पेंशन थी उसको बहाल किया जाए। आगे भी प्रदर्शन हमारा स्टेट लेवल पर है। इसके बाद हम 27 तारीख को पुनः कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से, और 3 अप्रैल को हमारा आगामी कार्यक्रम। अगर शासन नहीं सुनता है तो हम इसका बृहद रूप से जो है अपना आंदोलन जारी रखेंगे।